Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? I hope you all find by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we have a practice of paragraph writing. The topic of paragraph writing is keeping our city clean. As we have learned in unit number 1, about keeping public places clean. हमने पढ़ा था ना कि उसमें दो कैरेक्टर्स थे अब्दुल्ला हमजा, उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमें खासी नॉलेज दी थी. स्टूडेंट्स, बिफोर कंपोजिंग अ पैराग्राफ वी मस्ट नो हाउ टू क्रिएट, हाउ टू कंपोज अ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ लिखने के लिए हमें जरूरत होती है, हम कैसे लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट करेक्ट सम की सेंटेंसेस और की पॉइंट्स व्हिच विल मेक, जो बनाता है व्हिच मेक पैराग्राफ राइटिंग इजी और क्लियर. जो की पॉइंट्स या की सेंटेंसेस जो है वो पैराग्राफ राइटिंग को इजी और क्लियर बनाते हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ पैराग्राफ? ये मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि पैराग्राफ राइटिंग क्या है. सो आई हैव गिवन यू अ डिटेल इन माय प्रीवियस क्लास. बस बट नाउ इन दिस क्लास आई विल गिव यू सम पॉइंट्स रिगार्डिंग कीपिंग आवर सिटी क्लीन. इज इट क्लियर क्लास? स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 1 में वी हैव लर्नड यूसेज ऑफ शुड और मस्ट. हमने अच्छा खासी इसकी प्रैक्टिस की थी, याद है ना. सो इन आवर पैराग्राफ वी ऑल्सो यूज शुड और मस्ट, हम इसका इस्तेमाल करेंगे. एंड आफ्टर दिस आई हैव रिटन सम की सेंटेंसेस, की पॉइंट्स. कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो दीज की पॉइंट्स विल बी यूज इन माई पैराग्राफ. स्टूडेंट्स, जब पैराग्राफ लिखा जाता है तो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं वो उससे रेलेवेंट होते हैं. सो हियर माय टॉपिक इज पैराग्राफ कीपिंग आवर सिटी क्लीन, जैसे आपको पता है. तो आई हैव कलेक्टेड रिगार्डिंग कीपिंग आवर सिटी क्लीन, मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं. जैसे स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज एवरीवेयर, पार्टिसिपेट इन सोशल कंपेन्स, बिल्ड और क्रिएट नेबरहुड कोऑपरेशन, यानी महल्ले में हम उसकी कॉपरेशन कर सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग से अपने एरिया को, अपनी स्ट्रीट को साफ कर सकते हैं. बीइंग सिटीजन अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी एक शहरी होने के नाते से, जैसे हम लोग कराची के शहरी हैं एंड वी कैन सी अ लॉट ऑफ गार्बेज हेयर एंड देयर. सो बीइंग सिटीजन हमें अपनी जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होना चाहिए. So there, these points have been used in the paragraph keeping our city clean. As you know, के क्या होता है कि कोई भी, यानी हमें ये लाजिम है कि हम अपने अपने रोल को प्ले करें. Here I have written a paragraph on keeping our city clean. Everybody likes green and clean environment. यानी हर एक को साफ सुथरा हरा भरा माहौल पसंद है. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर मेकिंग आर सराउंडिंग्स अनक्लीन एंड पॉल्यूटेड, और हम ही उसके कॉज बन रहे हैं अपने सराउंडिंग्स को गंदा करने में. सो स्टूडेंट्स, इफ वी वॉन्ट टू मेक आर कंट्री ब्यूटिफुल, इफ वी वॉन्ट टू मेक आर पाकिस्तान ब्यूटिफुल, यानी हम अपने मुल्क को खूबसूरत देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं. सो वॉट शुड वी हैव टू डू? यस, वी सो वी शुड कीप आवर सिटीज क्लीन फर्स्ट. जाहिर सी बात है, मुल्क उसी वक्त खूबसूरत दिखेगा जब उसके शहर साफ होंगे. कराची इज अ बिग सिटी, इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. सो वी शुड टेक आवर, वी शुड प्ले आवर रोल्स. हमें इसको करने के लिए, कराची को साफ करने के लिए हमें अपने रोल प्ले करने होंगे. क्या करना चाहिए?
We should throw garbage in provided dustbins. के हमें गार्बेज को हर जगह नहीं फेंकना है, हमें क्या करना है उसको मखसूस दिए गए जो डस्टबिन होते हैं उसमें फेंकना चाहिए. वी शुड स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज एवरीवेयर. ठीक है. वी शुड बिल्ड नेबरहुड कॉपरेशन. हमें एक क्रिएट करना चाहिए अपने हमसाइगी में, अपने स्ट्रीट्स, अपने स्ट्रीट में लोगों की आपस में एक कॉपरेशन होनी चाहिए, एक आपस का उनका साथ होना चाहिए ताकि हम अपनी स्ट्रीट्स को साफ करें. क्योंकि दरिया दरिया क्या होता है, समंदर बनता है. दरिया कतरा कतरा क्या होता है, दरिया बनता है, समंदर बनता है. सो इसी तरह अगर हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करेगा, सो वी कैन मेक आर सिटी कराची क्लीन एंड अनपोल्यूटेड इंशाल्लाह. वी मस्ट पार्टिसिपेट इन कंपेन्स विच आर अरेंज बाय द गवर्नमेंट. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे कंपेन्स में हिस्सा लें जो सफाई की कंपेन्स हों, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हों. वी शुड पार्टिसिपेट, हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए. सो बींग इट्स अ सजेशन. क्या है बींग अ सिटीजन, बहसियत एक शहरी के, वी शुड अंडरस्टैंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कीप आर सिटी क्लीन. हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मालूम होना चाहिए और हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए. स्टूडेंट्स, हियर आई हैव रिटन इन माई ओन वर्ड्स, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क. और मुझे उम्मीद है कि आप इस होमवर्क को इंशाल्लाह मेरे इस पैराग्राफ राइटिंग और इस पॉइंट से देखते हुए, इससे कुछ आप अंडरस्टैंड करते हुए क्या करेंगे, यू विल डू इन योर होमवर्क. क्या करना है आपको, राइट अ पैराग्राफ ऑन कीपिंग आर सिटी क्लीन, यूज योर ओन वर्ड्स. आपको अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और अपने जुमले इस्तेमाल करना है. आई होप यू विल डू बाई योर सेल्फ इंशाल्लाह. ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल हियर एंड यू विल जस्ट टैली थ्रू माय एग्जाम्पल. आप मेरे एग्जाम्पल से आप अपने खुद अल्फाजों में लिखेंगे. स्टूडेंट्स यू विल डू योर वर्क. ये आपको कंपोजिशन का काम इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में करना है, लेकिन वी हैव अ पोर्शन. अच्छा एक बात और, इंडेक्स के लिए हमने क्या किया है, ये देखें लास्ट पेज को मैंने इंडेक्स के, मैंने इसको इंग्लिश कंपोजिशन का पोर्शन बना दिया है क्योंकि वी डोंट हैव. सो लुक एट द बुक कॉपी, ये मैंने लास्ट पेज को जैसे मैं बताया आपको इंग्लिश कंपोजिशन का पोर्शन बनाया हुआ है, और बाकी के ये जो वन और टू पेजेस हैं वो हमारे टेक्स्ट के हैं. ठीक है, लास्ट पेज को आसान हो जाता है बच्चों को, इस तरह से सीरियल नंबर डेट वगैरह आप लिखेंगे. एंड व्हाट अबाउट द कॉपी, वी हैव हाउ मेनी पेजेस आई हैव लेफ्ट, दिस इज आई हैव मेड कंपोजिशन पोर्शन. ठीक है, सो यू कैन टेक 20 पेजेस. स्टूडेंट्स यू विल लीव 20 पेजेस, लास्ट के 20 पेजेस को आप छोड़ दीजिएगा, उसको हम कॉम्पोजिशन पोर्शन हमने बनाना है. देखिए मैंने पैराग्राफ राइटिंग से पहले कीपिंग आर सिटी क्लीन के की पॉइंट्स को मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, पेंसिल से लिखा है, आप पेंसिल से चाहें पेन से यू मे राइट इट. एंड हियर आई हैव रिटन राइट अ पैराग्राफ. ठीक है, is it clear class? I hope you will do it by yourself. आप इंशाल्लाह अपना काम खुद करेंगे. आप follow कर सकते हैं मुझे, लेकिन try कीजिएगा कि अपने आपके जुमले हों. ठीक है, इंशाल्लाह you will do it. Students, stay home, stay safe. ठीक है, day to day learn करते रहिए, learning अपनी proper रखिए ताकि आपको आगे आसानी हो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.